अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी जिसका नाम है रसबरी, जो कि इसका नाम बहुत ही परफेक्ट दिया गया है। खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है और ये बिल्कुल ही गुलाब जामुन की तरह लगती है और ये बहुत ही ईजी है बनाने में, तो आप लोग ज़रूर से एक बार ट्राई करें इसको। तो हम चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। और यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया है, एक कप चीनी ले लिया है और एक कप पानी ले लिया है। तो हमें इसकी बनानी है चाशनी। तो हमने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है और इसमें हमें बॉईल आने का वेट करना है। और इसमें फ्लेवर बढ़ाने के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया है हरी इलायची 2। इसके पास पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए बॉईल आने लगा है अब, तो हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब घी ले लिया है, उसमें भी मैंने 2 हरी इलायची ऐड कर दिया है। और हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 कप के करीब है ये सूजी, और इसे हमें लो फ्लेम पे इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक हमने रोस्ट कर लिया है इसे। अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप दूध। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे। और जो हमने हरी इलायची ऐड किया था वो निकाल दिया मैंने। और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, दूध का पाउडर आता है वो ऐड कर देंगे, जो ऑप्शनल है बिल्कुल। और 1/4 टीस्पून 1 पिंच के करीब चुटकी करीब है इसमें सोडा, बेकिंग सोडा जो आता है खाने वाला, वो ऐड कर दिया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध लेकर के हमें इसे अच्छे से गूंद लेना है। 5 से 6 मिनट तक हमें अच्छे से इसे गूंदना है ताकि हमारा जो रसबरी है वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बने। आटा अच्छे से गूंदेगा तो ये अंदर से भी अच्छे से सॉफ्ट सा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से इसे गूंद लिया है और इसे गोल गोल राउंड करते हुए हमें इसकी थोड़ी छोटी छोटी सी टिक्की सी बना लेंगे, देखिए इस तरह से। हमने पूरा रेडी कर लिया है। और यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ये रिफाइंड ऑयल है। और इसमें ऐड करके हमें पहले तो हमें अच्छे से तेल गरम कर लेना, उसके बाद लो फ्लेम कर देना है, उसके बाद ऐड करना, नहीं तो ये एकदम से जल जाएगा। और इसे डन करते हुए हमें गोल्डन तक होने तक फ्राई करना है। तो देखिए हमारा अच्छे से ये फ्राई हो गया है और इसे हम निकाल लेंगे। जब तक मैं निकाल लें, जब तक आप लोग प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पे नए तो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब भी कर दें। हमारी चाशनी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे है और जो हमने वो तला था उसको हमने थोड़ा देर 2 मिनट के लिए ठंडा होने दिया है, उसके बाद चाशनी में ऐड कर दिया है। और इसे हमें 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है ताकि ये जो चाशनी है इसके अंदर तक चला जाए। तो देखिए अभी 5 मिनट हो गया है, अब हम इसको चेक कर लेंगे, देखिए कितना फूला फूला सा हो गया है। ये चाशनी अच्छे से अंदर तक चली गई है तो हम इसे सर्व करेंगे। अब अगर आपको अभी नहीं खाना तो थोड़ी देर और रख सकते हैं इसके अंदर। देखिए आपको कट करके दिखाती हूँ कितनी सॉफ्टली ये कट हो रहा है। और ऊपर से आप चाशनी इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और इसे अच्छे से इन्जॉय करें।
तो ये रेसिपी आज की आपको लोगों को कैसी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।